किस मुद्दे को लेकर रोड जाम किया जा रहा है? आज हमारा आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है उसको चलते हम लोग पूरा काला कानून के वापस लेने के लिए हम सरकार से मांग किए है। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के निर्माता का जो संविधान बनाए हैं उसको हमारा आरक्षण में छेड़छाड़ किया है, इसको हम लोग विरोध में हम लोग पूरा एकदम हिंसा के पवित्र धरती के हम लोग जाम करके रखे हैं और सदन से सड़क तक हम लोग कहें जो हमारा आरक्षण जो हमारा मौलिक अधिकार है वह मौलिक आधार पर हरण करने जा रहा है सरकार, या उसी विरोध में हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो बोलता है कि हम मौलिक अधिकार जो है या मौलिक अधिकार के हम लोग आरक्षण के खत्म करने की साजिश किया है, इसको हम लोग विरोध में पूरा या काला दिन के रूप में हम जानेंगे कि आज हमारे या केंद्र सरकार के गलत नीति और हमारा जो आरक्षण के खत्म करने की साजिश किया है इसको तहत में हमारा पूरा एससी ओबीसी हमारा तमाम सदन से सड़क तक हम लोग रहेंगे कि आज हमारा आरक्षण पर हनन करने जा रहा है, या कि डॉक्टर भारत के हमारा संविधान निर्माता जो हम लोग संविधान बनाए हैं ये संविधान के हमारा खत्म करने की साजिश किया है उसको हम विरोध में हम लोग सदन से सड़क तक जाएंगे। हम लोग के SC ST से लेकर के हम लोग की नागरिकता कानून के लिए जो हम लोग पूरा देश के बांटने काम किया है, देश के बांटने काम किया है, ये पूरा देश में कभी हिंदू कभी मुसलमान करके हम लोग देश के बांटने के लिए हमारा केंद्र सरकार किया है उसके खिलाफ में हम लोग पूरा बिहार के अंदर में पूरा हम लोग भूचाल ला देंगे। और 2020 में आज के जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है हमारे बहुजन समाज पार्टी और पूरे बिहार में और तन मन से हम लोग पूरा लड़के दिखाएगा कि आज कल जितना देश के बांटने के लिए किया गया कभी हिंदू बोलता है कभी मुसलमान बोलता है इस पर हमारा पूरा जन आंदोलन रहेगा। हमारा बिहार के अंदर में आज हम लेके कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये जनता, जैसे कि आप देख लिए महाराष्ट्र में चला गया सरकार, उसके बाद में झारखंड में चला गया सरकार, अब दिल्ली में चला गया सरकार और उसके बाद में हम लगले बिहार में पूरा यूपी बिहार दोनों जाएगा आपको बंगाल जाएगा। आज हमारे पूरा प्रजातंत्र राज्य में हमारा जो छेड़छाड़ करेगा आरक्षण में उसको विरोध में हम लोग पूरा तमाम जनता एकदम ST ABC OBC पूरा तमाम मुसलमान तब हम लोग एक पैर पर खड़ा होकर के अब पूरा हम लोग बिहार के जनता को दिखा देंगे कि क्या चीज है, इसे हमारा ठिकाने नहीं चाहिए। आज हमारा मेंबर पार्लियामेंट के अंदर में हमारा 119 MP है, सब हम लोग एक पैर पर खड़ा हो जाएंगे और पूरा देश में हम लोग दिखाएंगे कि आज हम पूरा तन मन से हम लोग दिखाएंगे।